अंबाझरी पोलीस स्टेशन हद्दीत फॅमिली सलूनच्या आड देहव्यवसाय चालविणाऱ्या एका सलूनवर धाड टाकून पोलिसांनी 3 पीडितांची सुटका केली. या 3 आरोपीवर गुन्हा नोंदविला असून 1 अटक तर 2 फरार आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांना माहिती मिळाली होती की अंबाझरी पोलीस स्टेशन हद्दी ड्रीम फॅमिली सलूनच्या आड मागील 8 ते 10 महिन्यापासून देहव्यवसाय केला जातो. पोलिसांनी डमी ग्राहक पाठवून शहानिशा करून सलूनवर धाड टाकली व पीडित तिघींची यातून सुटका केली. या प्रकरणी 3 गुन्हा नोंदविला असून 1 अटक तर 2 फरार आहे. पैशाचे लालच देऊन 3 पीडित महिलेंकडून आरोपी देहव्यवसाय करून घेत होते. हमें गुप्त माहिती मिली थी कि कुछ महीनों से एक स्पा चल रहा है जहाँ पे महिलाओं को देह व्यापार के लिए उत्तेजित किया जाता है, उनको पैसा देकर उस काम में लगाया जाता है. ये स्पा करीबन 6-8 महीने से चल रहा था अंबाझरी की हद में, जो कि ड्रीम स्पा फैमिली सलून के नाम से जिसका नाम है, और ये तिलक नगर में आता है रविंद्र स्क्वायर से पहले. तो उस खबर को हमें मिलने के बाद में हमने उसका जायज़ा लिया, उसकी सत्यता को पड़तालने के लिए फिर हमने पंटर भेजा और वहाँ पे कार्रवाई की गई, जिसमें 3 पीड़िता पाई गई जिनकी जिनको वहाँ से उनके चंगुल से निकाला गया है. और 3 आरोपी है इसमें, एक जो मालक, जो स्पा का मालक है, दूसरा है चालक जो जिसको उसने सारा जिम्मा दे के रखा है, हालांकि उनकी आपस में सांठगांठ है, और इसके अलावा एक बंदा जो वहाँ पे रहता है, पूरा काम करता है. तो दुर्भाग्य से जब हम वहाँ पे पहुँचे तो जो काम करता है वहाँ पे, जो सारी चीज़ें देखता है, वो हमें मिल पाया. और जो चालक है उसके मोबाइल वहाँ पे थे, लेकिन उसको शायद भनक लग गई तो वो भाग गया. हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, पर चूंकि उसका मोबाइल भी वहीं पे था तो उसको ढूंढने में हम सफल नहीं हो पाए. और मालक के बारे में जो चीज़ें हैं वो चालक के पास से ही मिल पाती थी, तो इसलिए हम 1 आरोपी को अटक कर पाए और बाकी 2 लोग फरार हैं.